ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा से है, जहां ट्रक और पिकअप के बीच में भिड़ंत हो गई। जोरदार भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना 19 मई 2020 की देर रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास की है। इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत ट्रक और पिकअप के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा तत्काल घटना पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य किया तथा घायल को उपचार के लिए एअर्थ जिला अस्पताल ले जाया गया। सभी सब्जी विक्रेता थे और सब्जी मंडी को सब्जी लेने जा रहे थे। सभी लोग थाना बकेवर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 2 लाख तथा गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की मदद की घोषणा भी की। प्राइम न्यूज 24 के लिए इटावा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। करीब 9 बजे की बात है, इसमें एक ट्रक के बीच में और एक डीसीएम के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। डीसीएम के लोग रात में होलसेल के लिए मंडी खुलती है, तो वेजिटेबल सेलर्स थे ये लोग, तो मंडी से सामान लेने जा रहे थे। तो इसमें ट्रक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए डीसीएम को पीछे से टक्कर मार दी है। तो इसमें 5 लोग एक्सपायर हो गए हैं और इनको एम्बुलेंस से भिजवाया जा रहा है। ये सभी लोग बकेवर थाना हमारे जनपद के ही रहने वाले हैं। ट्रक आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया है, ये भी लोकल जनपद का ही है। मुकदमा लिख के हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। करीब 9 बजे की बात है, इसमें एक ट्रक के बीच में और एक डीसीएम के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। डीसीएम के लोग रात में होलसेल के लिए मंडी खुलती है, तो वेजिटेबल सेलर्स थे ये लोग, तो मंडी से सामान लेने जा रहे थे। तो इसमें ट्रक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए डीसीएम को पीछे से टक्कर मार दी है। तो इसमें 5 लोग एक्सपायर हो गए हैं और इनको एम्बुलेंस से भिजवाया जा रहा है। ये सभी लोग बकेवर थाना हमारे जनपद के ही रहने वाले हैं। ट्रक आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर लिया है, ये भी लोकल जनपद का ही है। मुकदमा लिख के हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे।